अपोजिशन अराकीन ने कानून साज असेंबली में अपनी अलग कार्रवाई शुरू की। बिहार असेंबली में हंगामे के बाद पुलिस बुलाए जाने से नाराज अपोजिशन अराकीन ने कार्रवाई में हिस्सा न लेकर असेंबली इहाते में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अहम हिजबे मुखालिफ जनता दल आरजेडी के रुकन असेंबली भोदियू चौधरी को अलामती तौर से कार्रवाई को चलाने के लिए असेंबली स्पीकर के तौर पर स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई। इहाते में अपोजिशन अराकीन के जरिए तलब की गई मीटिंग अपने आप में मुनफरिद थी। यहाँ स्पीकर की कुर्सी पर जहाँ अपोजिशन के अराकीन को बिठाया गया, वहीं हुकूमत की जानिब से कोई भी मौजूद नहीं रहा। यह पहली बार हुआ है कि अराकीन असेंबली के साथ मीडिया अहलकारों ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस दौरान अलामती स्पीकर बने मिस्टर चौधरी ने कल हुए वाकये की मजम्मत करते हुए इसे मुल्क के लिए स्याह दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक खातून रुकने असेंबली के कपड़े फाड़े गए और उन्हें घसीटकर बाहर निकाला गया, वो रियासती हुकूमत की हिटलर शाही को जाहिर करता है। अपोजिशन अराकीन की अलामती कार्रवाई के दौरान कल के वाकये के लिए खुसूसी तौर से पटना के DM और एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ तजवीज पास की गई। इन दोनों अफसरान को फौरी असर से बर्खास्त करने की तजवीज इत्तेफाक़े राय से मंजूर की गई। अपोजिशन अराकीन ने इसकी हाथ उठाकर हिमायत भी की। अपोजिशन अराकीन ने बतौर एहतजाज काला पट्टा भी लगा रखा था। अपोजिशन अराकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है। ऐवान में अगर अपोजिशन की आवाज़ की अहमियत नहीं तो फिर ऐसे ऐवान के अंदर जाकर क्या होगा। अपोजिशन अराकीन ये मुतालिबा कर रहे हैं कि कल अराकीन असेंबली को घूंसे से पीटने वाले पुलिस अहलकारों और अफसरान पर कार्रवाई की जाए। आरजेडी और कांग्रेस के साथ माए महास के अराकीन असेंबली भी ऐवान की कार्रवाई का बैकाट करके कानून साज असेंबली अहाते में मुतवाजी ऐवान चला रहे हैं। क्या किसी की ट्वीट $29 लाख में खरीदना अक्लमंदी है? ट्विटर के बानी जैक डोर्सी की पहली ट्वीट को $2.9 मिलियन में खरीदने वाले शख्स का कहना है कि यह एक अच्छी सरमायाकारी थी। मलेशिया में मुकीम सेना इस्तावी कहते हैं कि डिजिटल असासे की शक्ल में ये इंसानी तारीख का एक हिस्सा है। कौन जानता है कि 50 साल बाद इंसानी तारीख की पहली ट्वीट की कीमत क्या हो। उन्होंने अपनी खरीदी हुई ट्वीट का मुवाजिना लियोनार्डो डावंची की मारूफ पेंटिंग मोना लेजा से किया। माहरीन का मानना है कि ट्विटर के बानी की अपने ही प्लेटफॉर्म पर पहली ट्वीट एक इंतहाई कीमती डिजिटल असासा है। जैक डोर्सी ने अपनी पहली ट्वीट में सिर्फ ये लिखा था कि मैं अपना ट्विटर सेटअप कर रहा हूं और यह 21 मार्च 2006 को शाया की गई। हाल ही में इसे जैक डोर्सी ने अपनी फलाही तंजीम यू डायरेक्टली अफ्रीका रिस्पांस के लिए नीलाम किया था। यूरोपीय यूनियन का तुर्की को घेरने की कोशिश में 27 मेंबर मुमालिक का इजलास। यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सरबराह चार्ल्स माइकल ने यूरोपीय यूनियन के इजलास के मशवरे में कहा है कि तुर्की के साथ एक साल की कशीदगी के बाद यूरोपीय मुमालिक अनकरा के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएंगे, लेकिन साथ ही में वो मशरूत तौर पर एक दूसरे के साथ एक कदम उठाएगा। एक यूरोपीय सिफारतकार का कहना है कि तुर्की के बारे में फैसला जून में किया जाएगा। इससे कबल नाटो इजलास में अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये कोई राज नहीं है कि वाशिंगटन और अनकरा के माबैन इख्तलाफात पाए जाते हैं। याद रहे कि 2019 से रूस और S-400 की रूस से खरीदारी के बाद से ही अमरीका और तुर्की के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। अमरीका का कहना है कि तुर्की रूस से ये मिसाइल सिस्टम खरीदने के बजाय हमसे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम खरीदें। वाशिंगटन ने धमकी दी है कि अगर तुर्की रूस से S-400 खरीदने के अपने फैसले में तब्दीली नहीं करता है तो F-35 जंगी तैयारे फरोख्त करने का इम्कान खत्म हो जाएगा और तुर्की के खिलाफ कटासा पर मबनी पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। ताहम इन सब के बावजूद तुर्की अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा है और वो रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर राजी है।
मकतूबे रियाज मिन जानिब के एन सफीर हिंद सऊदी अरब डॉक्टर औसाफ सईद को सेक्रेटरी हुकूमत हिंद के ओहदे पर तरक्की। डॉक्टर औसाफ सईद IFS को वजारत खारिजा की काबिनी कमेटी ने सेक्रेटरी हुकूमत हिंद पर तरक्की दी है। डॉक्टर औसाफ सईद के अलावा IFS 1979 बैच के 7 और ओहदेदारों को ग्रेड 1 और सेक्रेटरी हुकूमत हिंद के ओहदे पर तरक्की दी गई है। डॉक्टर औसाफ सईद सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफीर हैं। वो हैदराबाद के इलमी व अदबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मिस्र, कतर, डेनमार्क, यमन, शिकागो, सेशिस में सिफारती खिदमात अंजाम दे चुके हैं। सऊदी अरब में पहले कौंसल जनरल और फिर अब सफीर की हैसियत से उनकी हिंद सऊदी अरब ताल्लुकात के इस्तेहकाम में खिदमात गैर मामूली रही हैं। डॉक्टर औसाफ सईद उर्दू से अपनी मोहब्बत और इस जबान की तरवीज व इशाअत के लिए शोहरत रखते हैं। वो जहाँ भी रहें उन्होंने उर्दू की महफिलें सजाई, मुशायरों का एहतमाम किया, यही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इस वक्त वो वाहिद मुस्लिम IFS ओहदेदार हैं जो हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं। 1993 से अब तक डॉक्टर औसाफ सईद 4 मरतबा मुख्तलिफ हैसियत में सऊदी अरब में मुतय्यन किए गए। सऊदी अरब में वो एक मकबूल तरीन सिफारतकार की हैसियत से जाने जाते हैं। औसाफ सईद की तरक्की की इतला के साथ सोशल मीडिया में उन्हें मुबारकबादी के पैगामात का एक सैलाब उमड़ पड़ा जो उनकी अवामी मकबूलियत का सबूत है। औसाफ सईद मारूफ अफसाना निगार इवज सईद के फर्जंद और प्रोफेसर मगनी तबस्सुम के भांजे हैं। प्रोग्राम लफ्ज शनासी मुलाहजा फरमाएं। तरतीब व पेशकश नादर खान सरगिरो। थकी हुई मोहब्बत। एक रुमानवी अफसांजा मुसन्निफ के एक बहरी सफर का याद पारा। तहरीर खालिद कयूम तनोली। आवाज नादर खान सरगिरो। तो क्या तुम वायलिन बजा लेते हो? उसने हैरत नुमा मसरत से पूछा। हरगिज नहीं, मैंने कतईयत से कहा। काश मैं भी कभी ऐसा वायलिन खरीद सकूं। मेरी मम्मी मुझे हर रात सोने से पहले बहुत प्यारी धुनें सुनाया करती थी। अब न वो वायलिन रहा और न मेरी मम्मी। मैंने देखा दो नन्हे से लाचार आंसू उसके गालों पर बेख्तियार लुढ़क गए। अपने छोटे भाई के लिए खरीदे गए उस खूबसूरत तरीन वायलिन को मैंने उसे थमाना चाहा और कहा, मुझे अच्छा लगा तो खरीद लिया लेकिन मेरे काम का नहीं, तुम ले लो। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा, कुछ बोली भी नहीं और वायलिन भी ना लिया। रख लो, तुम्हारा हुआ, कहा जो है कि मेरे काम का नहीं। मोंते विदियो के उस छोटे से साहिली बागीचे में नारियल और पाम के दरख्तों के नीचे शाम उतर आई थी। हम दोनों नारियल के एक खुश्क तने पर स्कूल से भागे हुए बच्चों की तरह बेफिक्री से बैठे थे। वो वायलिन के तारों पर बहुत मध्यम और मधुर अंदाज में गज फेर रही थी और धुन बहुत पुरसोज थी, इतनी पुरसोज कि बचपन के सारे ख्वाब आंसुओं में ढलकर बहने लगे। उसकी आंखें बंद थीं, वायलिन के नाजुक तार मुसलसल लर्जिश में थे और धुन की लय स्पीक 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 टू मी थोरा के गैर मराई लफ्जों का एहसास दिला रही थी। उसकी गिरफ्त वायलिन के गज पर इतनी सख्त थी कि हाथ की पुश्त पर नीली नीली रगें उभर आई थी। ऐसी जबरदस्त फनकारा कि जिसके फन में खलूस का खमीर था और मैं दर्द सोज की भट्टी में जल जल कर राख हुआ जाता था। धुन की लय बढ़ती गई हत्ता कि जूं ही उसने सिसकी सी भरी तो मैंने देखा गज वायलिन के तारों में उलझ गया, तार टूट गए और उसी लम्हे सूरज ने मगरिब के उफूक पर दम तोड़ दिया। ओह, व्हाट एन अनबेरेबल बर्डन ऑफ लाइफ, आई एम टायर्ड। उसके लहजे में बला का कर्ब और आंखों में तवील मसाफत की गर्द थी। मेरी गोद में सर डाले वो मुतवातिर उसी एक जुमले की गर्दान किए जा रही थी, गोया धुन मुजस्सम इस्तिराब हो
और तारों के महबस से आजाद हो गई हो। उसने तड़प कर पूछा, ये जिंदगी हमें किस तरह गुजर पर ले आई है? मैं उसकी बित्ता की बजाय अपने ख्वाब में खोया था। ख्वाब की जंजीर मेरे पांव में थी। मैंने अपने तराशे हुए मुद्दतों पुराने ख्याली पैकर को पा लिया था, मगर वो टूटती अटकती सांसों के वक्फे में कहे जा रही थी, यू सी दैट आई एम टायर्ड। और ऐन उसी लम्हे जब उसकी आंखों के आबी मोती गालों की ढलवान पर फिसलने को थे, तो मैंने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। धुन साकित हो चुकी थी।